ये तीन कौमियतों को जाहिर करता है। इसमें अमन भी है, लाल और हरा भी है। लाल हुसैन का है, हरा हसन का है, सफेद अली का है। लाल रंग हुसैन का है, सब इमाम हसन का है, सफेद हजरत अली का रंग है और बीच में चरखा है। चरखा, चरखा सैयदा के कहे। और जब लहराता है 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, एक जज्बा अता करता है परचम का लहराना। जब परचम लहराता है तो सारी कौमें मिलकर एक आवाज में कहती हैं, जन गण मन अधिनायक जय है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रामिड़ उत्कल वंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जय है, जय है, जय है, जय 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 जय। ये जय क्या है? ये अमरे इलाही का ऐलान है। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने, टैगोर ने देखिए टैगोर ने यह तराना जो लिखा तो बताया कि सारी कौमों को एक परचम के नीचे जमा हो जाना चाहिए। परचम मजबूत हो, उसकी नुमाइंदगी में पता हो कि चरखा क्या है, रंग क्या है, लहराना क्या है और लफ्ज़ियात क्या है। तो जब आपको मकसद पता होगा तो एक परचम के नीचे जमा होंगे। मकसद एक ही है, अमन। अमन के लिए पंजतन मुबाहले में आए थे। जिस परचम में इन पांच का जिक्र आ जाए तो वहां अमन ही अमन होगा और अमन का पैगाम होगा। तो जहां पर टैगोर ने यह बात कही कि सारी कौमें आ जाएं, इसका मतलब यह है कि इंसान जागे। इसी को जोश ने कहा, इंसान को बेदार तो हो लेने दो,